फातिमा पहुंच गई है कोहाट, इतना लंबा सफ़र करके। और फातिमा के इस हैंड पे ये देखे थोड़ा थोड़ा सूजा हुआ है, दरवाज़ा लग गया था। अस्सलाम वालेकुम लो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं कोहाट शरीफ दरगाह पे। यहाँ पे हमने हाज़िरी देनी थी और आप देख सकते हैं रश कितना है। ये सब लोग पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से आते हैं, कुछ रेस्ट हाउस पीछे बने हुए हैं उधर हैं। और यहाँ पे आ रही है फ़ातिमा और अबरीश अपनी मम्मा की गोदी में है, सो रही है वो। और ये दरगाह है, यहाँ पे हर वक़्त अल्लाह की सदाएं आती हैं, कुरान पाक पढ़ा जाता है। यहाँ पे कोई भी गैर शरी काम नहीं होता। ये मस्जिद बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं वज़ू खाना की तरफ जो कि वो पिछली साइड पे है। ये सारी जगह पे लोग इकट्ठे होते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। यहाँ पे ये जिक्र किया जाता है अल्लाह का, अल्लाह। यहाँ पे ये पीछे सारे खेमे बने हुए हैं जिनमें मेहमान आके रुकते हैं, यहाँ पे भी और उस साइड पे पीछे भी। ये नीचे सारा किचन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो बिल्कुल एंड पे रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। ये सारा वज़ू खाना है, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे वॉशरूम्स भी मिलेंगे आपको। पिछली साइड पे भी है। चलें यहाँ पे हम करते हैं वज़ू, ठीक है फ़ातिमा, और आपसे मिलते हैं वज़ू करने। यहाँ पे अभी हम करते हैं वज़ू, और वज़ू के बाद आपसे मिलते हैं दोबारा। Allah
लंगर खाना। अंदर बैठ। भाई जान एक सब पर ले, बंदे सारे बैठ गए, जो भी आए सब एक सब पर ले। इधर आ गए। ये फरश फातिमा लोग वो बैठे हुए। फातिमा ने दुआ कर ली है, अब्दुल्ला ने भी दुआ की है। अब्दुल्ला खेल लो। अच्छा जी, इस सफ़र को इधर ही एंड करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह पेशावर का सफ़र शुरू करेंगे। ठीक है फातिमा, और फिर पेशावर के सफ़र में सबके साथ बातें करेंगे और फिर हम जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। असल में धूप बहुत ज़्यादा है, नमक मंडी, तो वहाँ पे खाएंगे शनवारी या चरसी टिका, तो फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे। दुम्बा खाएंगे आप कैसे? दुम्बा खाएंगे भाई, दुम्बा, और फिर आपको वहाँ पे जाके मिलेंगे इंशाल्लाह। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।